सब्सक्राइब कीजिए हारमोनियम की दुनिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए हारमोनियम ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हारमोनियम की दुनिया में। दोस्तों आज मैं फिर एक और बार राखी के गीत लेकर आया हूं। दोस्तों इस गीत के बोल हैं, मेरे भैया राखी के बंधन को निभाना। दोस्तों ये छोटी बहन मूवी से है, दोस्तों इसे लता जी ने गाया है और दोस्तों इस सॉन्ग की जो स्केल है वो डी है, ये डी है, ठीक है। दोस्तों इस सॉन्ग में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब जो मैं नोटेशन देता था अभी वो जहाँ से शुरू होती थी वहीं से देता था, अभी ये मैं इसी को सा मान के दे रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्केल है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें जो यूज़ होने वाले हैं वो चीज़ें मैं बता के आपको दे रहा हूँ सॉन्ग पे, तो आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोमल और जो भी आगे का आप देख लीजिए, सा ये रे कोमल, फिर रे रे, फिर गा कोमल, ठीक है, फिर गा फिर मा, ऐसा आप समझ जाओ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये गाना बजा के दिखाता हूँ, फर्स्ट लाइन देखिए, भैया मेरे राखी के मुखड़ा। चलिए देखते हैं सबसे पहले भैया मेरे, सॉरी भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, यहाँ सपोर्ट है ठीक है। सबसे पहले भैया मेरे देखिए, भैया मेरे, एक बार और देखिए, भैया मेरे राखी, एक और बार बताऊं, भैया मेरे, अब आएगा राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना, ये सपोर्ट है या तीनों, ये तीन फिगर, एक दो तीन, ठीक है। फिर एक और बार देखिए, राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना, एक बार और देख लीजिए, राखी के बंधन को निभाना, फिर भैया मेरे छोटी बहन को न बुलाना, सेम है, भैया भैया मेरे छोटी बहन को न बुलाना, एक बार और, भैया मेरे छोटी बहन को न बुलाना, भैया मेरे, सेम है, नोट। अब इसके बाद दोस्तों एक इंटरलूड बताएं, तो देखिए वो इंटरलूड ऐसा है, ये इसका इंटरलूड है। तो दोस्तों चलिए देखते कैसा बजाइए, यहाँ से बजेगा स्टार्ट होगा एफ से, ये हमारा हाई ऑक्टेव का एफ है, ठीक है। इसके बाद जो मैं डॉट लगाए देखिए, ठीक है, ये एफ है, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ आपको अपनी फिंगर चलाना जितनी स्पीड से आप चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कि एकदम परफेक्टली निकाल लूँ, पर कुछ ऐसा ही वजह है, बस मैंने थोड़ा सा अपना घिसा पिटा डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा, आप सुनिएगा तो आपको बजेगा यही नोट से स्टार्ट, इतने नोट से बजाए, पर वो थोड़ा सा घिसा पिटा दिया है मैंने भी अपनी तरफ से, ठीक है। सुनिए देखिए, फर्स्ट देखिए सेम, ठीक है, अब देखिए कैसा है, फर्स्ट एक बार और देख लीजिए,
जो सेकंड वाला है, एक बार और देख लीजिए, एक बार और, फिर इसके बाद आता है ये आगे वाला, देखिए। तो ये कैसा बजा है देखिए, फर्स्ट फर्स्ट लाइन देखिए, ये दो बार बजेगा, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये वाला जो है इसको दो बार बजाना है आपको, ठीक है। इसके इसके थर्ड वाला देखिए, इसके बाद क्या आएगा देखिए, इसलिए मैं यहीं का बस बताता हूँ एक बार आपको, देखिए ऐसा बजेगा, यहाँ तक बस देखिए, देखिए कबा, देखिए एक बार और देख लीजिए इसको धीरे से, फिर आगे ऐसा, ठीक है। एक बार मैं आपको नहीं ये समझ में आ गया हूँगा, बार बार बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो इसके बाद जो लाइन है, ये दिन ये त्यौहार खुशी का, तो दोस्तों मैं गा नहीं पाऊंगा, मैं आपको ये लाइन सुन लीजिए, ये दिन ये त्यौहार खुशी का, देखिए पावन जैसे नीर नदी का, देखिए ये लाइन है, ये दिन ये त्यौहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, ठीक है। तो भाई के उजले माथे पे, बहन लगाए मंगल टीका, ठीक है दोस्तों। तो कैसा देखिए, ये दिन ये त्योहार खुशी का देखिए, सबसे पहले देखिए, ठीक है, ये दिन ये त्योहार खुशी का, फिर से देखिए धीरे धीरे, एक बार और देख लीजिए, ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, देखिए एक बार और देख लीजिए, पावन जैसे नीर नदी का, एक और बार, अगली लाइन भाई के उजले माथे पर, देखिए एक बार और, भाई के उजले माथे पर, एक और बार देख लीजिए भाई के उजले माथे पर, बहन लगाए मंगल टीका, एक और बार, बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, तो कैसा है देखिए, एक बार और देख लीजिए, झूमे ये सावन तक देख लीजिए, सुहाना देखिए, झूमे ये सावन, देखिए एक और बार, एक बार और देख लीजिए, धूमे सावन, सुहाना सुहाना, एक बार और देख लीजिए, सुहाना सुहाना सुहाना,
सुहाना, एक बार और सुहाना सुहाना, फिर से भैया मेरे, भैया मेरे दोस्तों। तो ये गाना भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसका जो अगला अंतर आएगा वो भी सेम इसी नोट्स में बजेगा, जो इस अंतर के नोट से सेम लाइन के हिसाब से अगली लाइन, उनकी भी चार लाइन होगी, वो चार लाइन पे भी इसके जैसे इसके चार नोट चार लाइन के नोट्स, वैसे उसके भी चार लाइन के नोट्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।